हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। आज हम तीनों कंट्री के इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, ठीक है, टीआर वीज़ा होल्डर्स की, ठीक है। तीनों कंट्री के आपको अपडेट्स इन्फॉर्मेशन दूंगे, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट वीज़ा होल्डर्स हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के रिगार्डिंग, बॉर्डर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आज का फर्स्ट अपडेट है वो कनाडा की तरफ से, कनाडा इजीज इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर सम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। कनाडा ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की रिस्ट्रिक्शन वो ईजी कर दी हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब सम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए, जिन्होंने मतलब वैक्सीनेशन करवा रखी है उनके लिए, ठीक है। सम उनमें से कौन कौन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आगे आर्टिकल पढ़ कर बताता हूँ मैं आपको। On June 21, 2021, Prime Minister Trudeau and the Government of Canada announced the easing of COVID-19 travel restrictions for fully vaccinated travelers who are eligible to enter Canada under the current travel restrictions. These changes come into effect July 5, 2021 at 11:59 PM EST. ठीक है, ये सम ट्रैवलर्स के लिए जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिए, आपके ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी अपडेट किया है, ठीक है, कौन कौन वहाँ से ट्रैवल कर सकता है, जिसके पास वीज़ा होगा वो ट्रैवल कर पाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है, कैन ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट अ कनाडा मॉडल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के जैसे कनाडा रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की, कि वो उनके लिए है ना सोचता है कि वे ऑस्ट्रेलिया भी वैसे अडॉप्ट करेगा मॉडल, जो उनका प्लान है कनाडा का इंटरनेशनल स्टूडेंट को बैक बुलाने का, रिटर्न करवाने का। ये थी इंफॉर्मेशन। और जो नेक्स्ट है वो है इंडिया से रिलेटेड, COVID-19 ट्रैवल बैन, इंडिया अर्जेस कंट्री टू नॉर्मलाइज ट्रैवल विद इट, कि इंडिया है जो वो दूसरी कंट्री को कह रही है कि आप हमारे साथ जो ट्रैवल है वो नॉर्मल कर सकते हो ना, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया था कि इंडिया से कोई नहीं आएगा ना, कि आप अब हमारे साथ सब कंट्री से कह रहे हैं वो कि आप नॉर्मल कर सकते हो हमारे साथ ट्रैवल। एंड जो नेक्स्ट अपडेट है वो है, स्कॉट मॉरिसन प्रपोजेज ब्रिस्बेन क्वारंटाइन हब। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज़ ऑफर टू पे फॉर अ क्वींसलैंड क्वारंटाइन फैसिलिटी। ये वही क्वारंटाइन फैसिलिटी है जिसको स्कॉट मॉरिसन ने दो तीन बार पहले रिजेक्ट कर दिया था, अब वो आप ही ऑफर कर रहे हैं उनको, है ना। ये जो सेकेंड है वो पढ़कर बताता हूँ मैं आपको। द कोरियर मेल रिपोर्ट्स मिस्टर मॉरिसन हैज़ परपज्ड टू पर्पस बिल्ड फैसिलिटी नेक्स्ट टू ब्रिस्बेन एयरपोर्ट इन अ लेटर सेंड टू क्वींसलैंड प्रीमियर। क्वींसलैंड के प्रीमियर को उन्होंने लेटर सेंड कर दिया है, ठीक है, क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने के लिए। और स्टेट्स को भी उन्होंने कहा है कि आप क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाओ ना, अच्छे एयरपोर्ट के पास बनाओ ना, कि अपनी सिटीज़ में क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाओ। क्या पता कि नेक्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बुला ही लें। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो थोड़ी पॉजिटिव अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एमपी सेफ, वी वांट द इकॉनमी परफॉर्मिंग एज वेल एज इट हैज बीन, वी मस्ट कीप ऑस्ट्रेलिया ओपन एज मच एज पॉसिबल बिहाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। वो कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द इंटरनेशनल बॉर्डर्स को खोलना पड़ेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ओपन करना पड़ेगा। ये पढ़कर बता दूं मैं आपको, स्कॉट मॉरिसन, वी मस्ट कीप ऑस्ट्रेलिया ओपन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उनकी इकॉनमी है जो उनको घाटा पड़ रहा है ना बिलियंस में डॉलर का, वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज होने की वजह से। ये देखो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इफ वी वॉन्ट द इकॉनमी परफॉर्मिंग एज वेल इट हैज़ बीन, वी मस्ट कीप ऑस्ट्रेलिया ओपन एज मच एज पॉसिबल बिहाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाइल वैक्सीनेशन ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूज, ठीक है, कि जब वैक्सीनेशन कॉन्टीन्यू हो रही होगी पॉपुलेशन की, हमें कि जल्द से जल्द यार ऑस्ट्रेलिया उनको ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो बहुत डाउन जा रही है। आपको पता ही होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से भी जा रही है, ठीक है, टूरिस्ट की वजह के से भी जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इतनी इतनी फीस भरते हैं ना। ये मिस्टर मॉरिसन ने स्काई न्यूज़ को बताया है, ठीक है, कि वो ही हैज़ रेज्ड द आइडिया ऑफ अलाउइंग वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल टू लाइव फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन, बट स्टेट लीडर सेड दे वर नॉट रेडी टू अलाउ डैट,
कि जो स्टेट लीडर्स हैं वो अब अलाउ नहीं कर रहे। पहले स्टेट लीडर्स प्लान बनाते थे, स्कॉट मॉरिसन नहीं अलाउ कर रहे थे, अब वो स्कॉट मॉरिसन के कह रहे हैं कि स्टेट लीडर्स नहीं अलाउ कर रहे। ठीक है, दीज आर दी स्टेप्स वी हैव आस्क्ड दी स्टेट्स टू कंसीडर बोथ दी सपोर्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बट ऑल्सो डैट वैन पीपल गेट वैक्सीनेटेड वी कैन कीप ऑस्ट्रेलिया ओपन बिहाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कि वो जब पीपल वैक्सीनेटेड हो जाएंगे ठीक है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर देंगे। यही थी आज के कुछ अपडेट्स, और जो नेक्स्ट है वो थोड़ा जो इंडिया में पंजाब स्टेट है उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट एयर वीज़ा होल्डर्स के लिए है। यह है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा होल्डर्स प्रोटेस्ट लोकेशन पोलो ग्राउंड पटियाला सिटी में। ठीक है, डेट 6 जुलाई 2021, टाइम 11 AM। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एयर वीज़ा होल्डर आ सकते हैं ज़रूर आना। और आज के थोड़े से अपडेट थे, वीडियो अच्छी थोड़ी मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन को दबा कर, और वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी तो लाइक कर देना।